दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको कहीं भी या किसी स्थान पे आपको मिलता है कि 50 से किसी भी अंक में भाग करने का। तो आज वीडियो में हम बताने वाले हैं एकदम सिंपल ट्रिक। तो क्या करना होगा कि सिंपली अगर आपको देता है कि 55 में 50 से भाग करें तो क्या करना है, बस सिंपली आपको ट्रिक अपनाना है। क्या करना है, 55 को आपको डबल कर देना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 55 को हम डबल कर देते हैं। तो 55 को डबल करते हैं तो 110, और 110 आने के बाद आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, दो अंक के बाद बस एक दशमलव बैठा देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए एक और बात यहाँ पे फॉलो होती है कि आपको दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। आप अगर कैलकुलेटर पे चेक करते हैं तो आपको इस तरह से आंसर आएगी, ठीक है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 में फिर 50 से भाग करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली वही ट्रिक है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 53 को फिर डबल कर देते हैं। 53 को हम डबल कर देंगे, 53 को डबल करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। 53 को डबल करने के बाद वही ट्रिक अपनाना है, दो अंक के बाद एक दशमलव बैठा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर आ गया। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 में 50 से भाग करना। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यह ट्रिक अपनाना पड़ेगा। 72 में आपको 50 से भाग करने के लिए सिंपली वही ट्रिक अपनाना है, आपको 72 को डबल कर देना है। 72 को डबल करते तो कितना आता है देखते हैं, 72 को डबल करते हैं तो 144, ठीक है दोस्तों। 144 में आप फिर आपको दो अंक के बाद एक दशमलव बैठा देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। अब मेरा एक आगे क्वेश्चन कहता है कि 65 में आप 50 से भाग कीजिए। तो क्या, तो आपको क्या करना है, सिंपली से 65 को डबल करते हैं तो हो जाएगा, सिंपली दो अंक के बाद एक दशमलव बैठा देंगे, मेरा आंसर आ गया। इतना देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, हमको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है 60 में 50 से भाग कीजिए, यानी कि तो आपको क्या करना है कि सिंपली वही प्रोसेस अपनाना है। 60 के डबल करते हैं तो 60 के डबल करेंगे तो 120, और 120 में आपको क्या करना है, सिंपली ये कर देना है, 120 कर देंगे। 120 करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती तो इसको हटा भी सकते हैं, 1.2। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि 89 दे रहा है, ठीक है, 89 दे रहा है तो क्या करना है, सिंपली आप 89 में आपको 50 से भाग करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 89 को आपको डबल कर देना है। 89 को डबल करते हैं तो 9 × 2 = 18, 8 × 16 = 17, और सिंपली आपको दो अंक के बाद एक दशमलव बैठा देना है, बस मेरा आंसर आ गया। देखिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।